गुड मॉर्निंग, मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से क्लास फोर्थ को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी विषय में है आज आपके पार्ट दो, अनूठे काम। तो अनूठे का अर्थ क्या होता है? अनोखे। अनूठे का अर्थ क्या होता है? अनोखे। तो इस कहानी के माध्यम से आपको बताया गया है कि एक व्यक्ति है, उसको राजा के आदमी ने ज़बरदस्ती परेशान किया और राजा निर्दयी होता है और उसे अनोखे काम करने के लिए कहता है। उसकी पत्नी बुद्धिमान होती है और उसको समझाती है और वह अनोखे काम करता है। तो इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि हमें संकट के समय कभी भी घबराना नहीं चाहिए, अपनी बुद्धि से हर समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। तो देखो, कहानी है आपके, एक गरीब मछुआरा होता है। मछुआरा मालूम है ना आपको क्या होता है? मछुआरा पढ़ो। एक गरीब मछुआरा था। आप जानते हो ना बच्चों, मछुआरा क्या होता है? मछली पकड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? मछुआरा। और गरीब कौन होता है? जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं पैसे उसे, वो कौन, क्या व्यक्ति होता है? गरीब, है ना। एक दिन वह मछुआरा क्या कर रहा था? मछलियाँ पकड़ रहा था। तो उसके जाल में बहुत बड़ी मछली फंस गई। कैसी मछली फंस गई? बहुत बड़ी मछली फंस गई। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? कि आज तो बड़ी मछली हमारे जाल में फंस गई है। वह खुश होता हुआ उस मछली को अपने घर ले जाने लगा। तभी दो सिपाहियों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कड़क आवाज़ में कहा, अरे मछुआरे, तू बड़ी मछली का तू क्या करेगा? इसे तो शाही बावर्ची खाने में होना चाहिए। जब वह मछली पकड़ के घर ले जा रहा था तो क्या हुआ? राजा के सिपाहियों ने उसे रोक लिया और तेज आवाज़ में कहा, अरे मछुआरे, तू बड़ी मछली का क्या करेगा? इसे तो साई बावर्ची खाने में होना चाहिए। साई बावर्ची खाने का जानते हो आप लोग? राजा की जो रसोई होती है ना, उसे कहते हैं। बड़े बड़े आदमियों की रसोई को क्या कहते हैं? हम बावर्ची खाना। तो उनके सिपाहियों ने उसे डांट दिया। मछुआरे ने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं भैया, ऐसा मत करो, मैं इसे अपनी पत्नी को देना चाहता हूँ, ताकि वह मेरे दो छोटे बच्चों तथा हम दोनों के लिए स्वादिष्ट भोजन पका सके। मगर सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी, वे उसे पकड़कर मछली सहित राजा के पास ले गए। मछुआरा गरीब था ना, इसलिए बेचारा बार बार गिड़गिड़ा रहा था सिपाहियों के सामने, नहीं ऐसा मत करो, मेरी मछली मत लो, मैं इसे अपनी पत्नी को देना चाहता हूँ, जिससे कि वह मेरे दोनों छोटे बच्चों को और मुझे बढ़िया सी मछली पका के देगी और मैं स्वादिष्ट भोजन कर लूँगा। किंतु सिपाहियों ने क्या किया? उसे महल में पहुँचा दिया। महल पहुँचकर उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह दुष्ट मछुआरा शाही रसोई के लिए मछली नहीं दे रहा था, यह इसे अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा था। मछुआरा घबरा गया। वह राजा के सामने साष्टांग दंडवत करके क्षमा मांगने लगा। साष्टांग माने आपको मालूम है? पूरा झुक के, है ना, सो के हम प्रणाम करते ना भगवान को, उसे कहते हैं। तो मछुआरा को राजा के पास ले जाया गया और मछुआरा राजा के पास चला गया और सिपाहियों ने उसकी शिकायत कर दी कि यह दुष्ट है, यह शाही खजाने आपके बावर्ची खाने के लिए मछली नहीं दे रहा है, ये तो अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा है। तो आपके उस गरीब मछुआरे ने राजा के सामने क्या किया? पूरा झुक के प्रणाम किया और क्षमा मांगने लगा। किंतु राजा कैसा था? निर्दयी। राजा निर्दयी था। उसने कहा, क्या कहा उसने? कि तुम्हें तो क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन जब तुम कोई अनूठा काम करके मुझे दिखाओ, अनूठा माने अनोखा, जैसा पहले किसी ने नहीं किया हो। उसने पूछा, कौन सा अनूठा काम करूं महाराज, है ना, क्या पूछा उसने गरीब ने? कि मैं कौन सा अनूठा
काम करूं कि जिससे मुझे मछली मेरी वापस मिल जाए और आप भी मुझे छोड़ दो। कहा कि जैसे कि तुम एक समय में रोकर और हंसकर दिखाओ, तुम्हें एक दिन का वक्त भी देता हूँ, जाकर सोचो कैसे करोगे। राजा निर्दयी था, बदमाश था, दुष्ट था ना। उसने सोचा ये ऐसा काम दूंगा ये कर तो पाएगा नहीं। उसने क्या कहा राजा ने कि तुम्हें ऐसा काम करना है कि एक ही समय तो तुम रो और एक ही समय तुम हंसो। कितना अनोखा काम है ना, जब हम फेल होते हैं रोते हैं हंसते नहीं हैं, पास होते हैं तो हम हंसते हैं उस समय रोते नहीं हैं। किंतु इसको तो एक साथ दोनों ही काम करना है। फिर राजा ने कहा कि तुमको एक समय का वक्त माने समय यानी टाइम दे, उसने टाइम दिया कि तुम सोचो कैसे करोगे। अब दरबारी तो सब बदमाश थे ही ना, वो हंसने लग गए उस मछुआरे पे कि देखो कोई इंसान एक साथ हंसने का और रोने का काम कैसे कर सकता है। राजा की बात सुनकर मछुआरा उदास मन से अपने घर पहुंच गया। पत्नी ने उसे उदास और खाली हाथ आया हुआ देखा तो पूछा क्या हुआ, क्या बात है। मछुआरे ने उसे पूरी घटना बता दी, पूरी कहानी सुनाई कि आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं मछली पकड़ के ला रहा था, सिपाहियों ने पकड़ लिया मुझे, बाबा फिर राजा के पास ले गए तो राजा ने अनोखी मेरे को शर्त दी है। उसने पूरी बात अपनी पत्नी को बता दी। वह बुद्धिमती स्त्री थी। कैसी स्त्री थी वह? बुद्धिमान। उसने कहा चिंता मत करो, यह तो बहुत ही आसान काम है, और उसने मछुआरे को सारा उपाय बता दिया। उसने बता दिया कि तुम्हें क्या काम करना है, कैसे हंसना है, कैसे एक टाइम में रोना है। अब मछुआरा राजा के दरबार में पहुंच जाता है। अगले दिन देखो, अगले दिन मछुआरा राजा के दरबार में जा पहुंचा। उसने राजा का अभिवादन किया। अभिवादन का अर्थ क्या होता है? प्रणाम करना, है ना, आप नमस्ते करते हो, प्रणाम करते हो, ये क्या कहलाता है? अभिवादन, दूसरों का सम्मान करना अभिवादन कहलाता है। और बोला महाराज मैं आपको अनूठा काम करके दिखाने को तैयार हूँ। क्या कहा उसने कि महाराज मैं आपको अनोखा काम करके दिखा सकता हूँ। और ऐसा कहकर उसने जेब से प्याज निकाल लिया और उसे फोड़ दिया। मछुआरे की आंखों में झर झर आंसू। आपको मालूम है प्याज आपने फोड़ के देखो, प्याज छीलते हो ना तो आंख से पानी निकलने लगता है, और उसी टाइम वह ठहाके मार के हंसने लगा, ठहाके मार के हा 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 करके हंसने लगा। अब दरबारी जो कल उसका मजाक उड़ा रहे थे ना, हंस रहे थे मन ही मन में, देखो कब मजा आएगा, न तो मछली मिलेगी दंड भी मिलेगा, कैसा मूर्ख बनाया, हंस रहे थे ना। अब वो क्या कर रहे थे, तालियां बजा बजा कर उसकी प्रशंसा कर रहे थे, देखो कितना समझदार है, कितना बुद्धिमान है। आपस में उसकी सूझबूझ की सराहना करने लगे। मछुआरे ने सचमुच ही अनूठा काम कर दिखाया था ना, अनोखा काम, कितना बुद्धिमान था देखो। अब आगे बताती हूँ, राजा तो बदमाश है ही, है ना। इस बार राजा ने कहा भाई तुम्हें मान गए, तुम बुद्धिमान हो, बस एक बार अपनी बुद्धिमानी का नमूना और दिखाओ, कल हमें ऐसी कोई कहानी सुनाओ जिसे हम कभी भूल न पाए, अर्थात ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें जिंदगी भर याद रहे, झूठी सुनाओ सच्ची सुनाओ मगर कहानी सुनाओ। मछुआरा जल्दी से अपने घर आया और अपनी पत्नी को राजा का आदेश सुना दिया। पत्नी ने उसे कहानी सुना दी। मछुआरा फिर दरबार पहुंचा और बोला महाराज सुनिए मैं आपको एक न भूलने वाली कहानी सुना रहा हूँ। अब देखो क्या कहानी सुनाता है। एक अमीर था, उसके पास 10,000 सोने की मोहरें और 10,000 चांदी की मोहरें थी, और साथ में क्या थी, 1,000 तांबे के सिक्के थे। अब क्या कहानी सुनाई कि एक बार उसके पास 10,000 तो सोने की मोहरें थी, 10,000 चांदी के मोहरें और 10,000 तांबे के सिक्के। एक दिन वह घोड़े पर सवार होकर घर लौट रहा था
तो रास्ते में उसे एक तांबे का सिक्का सड़क पर गिरा हुआ दिखाई दिया। घर पहुंचते ही उसने कई सेवकों को वह सिक्का ढूंढ कर लाने को कहा। अब देखो, जिसके पास चांदी की मोहरे हैं, सोने की मोहरे हैं, वो एक तांबे का सिक्का क्यों ढूंढवाएगा? पागल थोड़ी ना है वो। किंतु उसे तो राजा को मूर्ख बनाना था। तो राजा ने भी बीच में ही ठहाका मारते हुए कहा, क्या बकवास करते हो, इतना अमीर आदमी तांबे के एक सिक्के के पीछे क्यों भागा? मछुआरा झट से बोला, जैसे एक राजा ने एक गरीब की मछली शाही बावर्ची खाने में रख ली। देखो कितना बुद्धिमान था ना, उसने झट से कह दिया कि वह अमीर आदमी तांबे के सिक्के के पीछे इसीलिए भाग रहा था। जैसे आप तो कितने अमीर हो, मैं तो गरीब हूँ। एक मछली पकड़ी थी, उसको भी आपने अपने रसोई में रख ली। वैसे ही राजा का अब सिर इस बात से शर्म से झुक गया। उसने कहा, हमें तुम्हारा जवाब बहुत पसंद आया। राजा को क्या, राजा ने क्या कहा उससे कि तुमने जो उत्तर दिया वो मुझे बहुत पसंद आया, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें तुम्हारी बुद्धिमानी और मछली की पूरी कीमत मिलेगी। यह कहकर राजा ने मछुआरे को 100 सोने की मोहरे इनाम में दिलवाई। मछुआरा प्रसन्नता से घर लौट आया। तो कहानी देखी आपने, चित्र भी दिखा दो इसमें। तो देखी आपने कहानी, पढ़ी आज आप फिर से दोबारा से कहानी पढ़ना और मम्मी पापा को सुनाना, अपने दोस्तों को सुनाना। तो ये कहानी से आपको कुछ संदेश मिला? इस कहानी से हमें संदेश मिला कि संकट के समय हमें नहीं घबराना चाहिए, है ना। हम चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों, अपनी बुद्धिमानी से हम बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप भी कभी घबराना नहीं। आपको कहानी अच्छी लगी होगी, है ना। अगर कहीं समझ में नहीं आई हो तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। और कहानी पढ़ना। धन्यवाद।